अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। की जय सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामति कहे ए सैयनो, ए बीतक पुरी नवतन, अब आगे की कहो याद करो मोमीन, याद करो मोमीन। अक्षर अतीत धाम के धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार जब बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठा दिया जाता है तो श्री महाराज स्वयं उनका सम्मान करते हैं, सबसे पहले आकर उनको प्रणाम करते हैं और उनकी चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। बिहारी जी को गादी पर बैठाने के लिए कोई सुंदर साथ तैयार नहीं था, लेकिन श्री जी ने शिष्टाचार का परिचय देते हुए सब सुंदर साथ को खंडनी करके समझाया कि चाहे कुछ भी हो, गुरु पुत्र हैं, उनको गादी पर बैठाया जाए। समाज में शोभा लेने की भावना किसकी होती है? जिसका व्यक्तित्व आध्यात्मिकता के रंग में रंगा नहीं होता है वही सामाजिक प्रतिष्ठा चाहता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गादी पूजा एक अभिशाप है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे ज्ञान का प्रकाश रुक जाता है। गादीवाद, जड़तावाद, स्थानवाद तीनों आध्यात्मिकता की राह में बाधक है। यदि मनुष्य में सत्य की तरफ उन्मुखता की प्रवृत्ति नहीं हुई, सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है, व्यक्ति विशेष के कथनों पर चलता है, केवल स्थान विशेष को प्राथमिकता देता है, गादी विशेष को प्राथमिकता देता है, वाणी के कथनों को झुठलाता है, तो समाज में भटकाव निश्चित है। आज भी देखा जाए तो समाज में क्या हो रहा है, ये तीनों ही विकृतियां घर कर गई हैं। एक और है जड़तावाद, जड़तावाद के रूप में चाहे खड़ाऊ पूजा ले लीजिए, समाधि पूजा ले लीजिए, चित्र पूजा लीजिए, इसका भी स्थान है। परमहंसों के चित्रों का सम्मान कीजिए, उनकी समाधि का सम्मान कीजिए, वह तो ठीक है, लेकिन आरती पूजा भोग केवल राज्य की वाणी का ही होना चाहिए। जिस स्थान से ब्रह्मज्ञान का प्रकाश मिला है उस स्थान की महत्ता है, लेकिन उसी स्थान को सर्वोपरि मानना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति से ज्ञान का प्रकाश हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाणी के कथन को झुठलाकर व्यक्ति के कथन को सर्वोपरि मानना यह भी अंधकार का परिचायक है। और जिस समाज में सत्य को झुठलाया जाता है, व्यक्ति, स्थान, गादी और जड़ता को
ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, निश्चित है कि वो समाज पिछड़ जाता है। हमारे समाज में ये चारों चीज़ें वर्तमान में मौजूद है और यही कारण है कि हमारा समाज जितना आगे होना चाहिए आज नहीं है। बिहारी जी महाराज गादी पर तो बैठ गए हैं लेकिन ज्ञान कहाँ से लाए? कभी भी देवचंद जी के सामने बैठकर उन्होंने कभी वाणी चर्चा सुनी नहीं थी, इसलिए चलते फिरते उन्होंने कुछ शब्द सुन लिए होते हैं कि राज्य का श्रृंगार कैसा है, उसी को दोहराते रहते हैं और बीच में किस्से कहानियाँ बोल दिया करते हैं। सुंदर साथ को उसमें कोई रस नहीं आता। रस तो तब आए जब ज्ञान में कोई गहन बात हो, ज्ञान में सत्यता हो। यह बात क्या दर्शाती है? बीतक की यह घटना हमें सिखाती है कि बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्मा है और वो देवचंद जी के सुपुत्र भी हैं, गादी पर भी बैठे हैं, लेकिन यदि उन्होंने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो उनकी उनकी भी आत्मा माया में भटकती रहेगी। निजबुत आवे अज्ञाए तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न हो। जब श्री देवचंद जी के सुपुत्र होते हुए भी बिहारी जी महाराज परमधाम की आत्मा होते हुए भी अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सके क्योंकि उनके अंदर वाणी का प्रकाश नहीं है, चितवनी वो कर नहीं सकते, तो परिणाम क्या हुआ? जब तक उनका तन रहा अंधेर में ही भटकते रहे। आज स्थिति कितनी विकट है। आज तो जो गादी पर व्यक्ति जो महान भाव बैठाए जाते हैं वो ट्रस्टियों की कृपा से बैठते हैं। यदि वो वाणी का चिंतन नहीं करेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, अपने हृदय को कोमल नहीं बनाएंगे, विरह में नहीं तड़पेंगे तो उनका जीव कभी भी जागृत नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह मान्यता धारण करना कि गादी पर आस्था रखने से हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा कभी भी संभव नहीं। यदि गादी में कोई शक्ति होती तो बिहारी जी महाराज उस गादी पर बैठते ही परमधाम की चर्चा करना शुरू कर देते। आप देखिए क्या स्थिति होती है। बिहारी जी के सामने श्री महाराज शिष्टाचारवश प्रणाम करते हैं और चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। बिहारी जी जब चर्चा कर चुके होते हैं तो उसके पश्चात चर्चा की पुनः चर्चा करते हैं एकांत में सुंदर साथ को ले जाकर, क्योंकि बिहारी जी गादीपति के रूप में बैठे हैं। सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी की गादी पर बैठने के कारण ऊपरी मन से सब सुंदर साथ सम्मान कर रहे हैं, दिल में किसी के सम्मान नहीं। ज्यादा किया दीन को यही आने इष्ठाम, कुरान के अंदर ये घटनाक्रम है कि यहिया ने दीन को बढ़ाया। यहिया कौन है? श्री प्राणनाथ जी, यानी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी का अवतरण होता है। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी का चारों ओर फैलाव होता है, परम धाम का मार्ग मिलता है। इसको कहते हैं धर्म का फैलाव। पूरा देश हिंदुओं के 1000 संप्रदायों में लगभग गादीवाद का अधिकतर में प्रभाव है और जिस समाज में गादीवाद का, स्थानवाद का, व्यक्तिवाद का प्रभाव होगा वो समाज कभी भी प्रगतिशील नहीं बन सकता, वो रूढ़िवादिता के अंधेरे में भटकता ही रहेगा। बिहारी जी महाराज धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं कि लगता है सुंदर साथ मेरी चर्चा में रुचि नहीं लेता। समय बीतता जाता है, महाराज को अनुभव होने लगता है कि राज्य की मेरे ऊपर कृपा बरस रही है और उनको आभास होता है कि हम तो बैठे धाम में, ये खेल नहीं रंजक, यह संसार है ही नहीं, हमारे मूल तन परम धाम में है, यहाँ भी हमारे दिल में धाम देने की बैठक है और परम धाम में तो हम राज्य के सम्मुख ही बैठे हैं। जब हम वाणी की गहराइयों में डूबते हैं तो सार तो एक ही निकलता है, हक नजीक सेहरक से अड़ो पटना द्वार। राज्य प्राण की नली से भी निकट है, हमारे और उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, दूरी तो हमारी दृष्टि ने कर रखी है। जैसे आप लोग नीचे बैठे हैं, आपके सामने एक पर्दा कर दिया जाए
तो आप लोग मुझे नहीं देख सकते और यही कहेंगे कि मंच भी नहीं है, राजन स्वामी भी नहीं है। उसी तरह से हमारी परात्म की नज़र राज्य की नज़रों के सामने है, लेकिन राज्य ने अपने हिकमत से ऐसी लीला कर दी है कि हमारी परात्म की नज़र राज्य की नज़र से होकर आत्मा के रूप में जीवों पर बैठ गई है और जीवों की संसार की लीला को देखने में लगी है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा असल स्वरूप क्या है। वो जीव के तन को ही अपना तन मानने बैठी है, संसार को ही अपना घर माने बैठी है। जब उसको वाणी का प्रकाश मिलेगा और तब तो वो जानेगी कि नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर कोई और है, और तब वो धाम धनी की शोभा को देखने का प्रयास करती है। इस यहीं से उसकी जागनी प्रारंभ होती है। जब वाणी का ज्ञान ही उसके अंदर नहीं रहेगा तो जगेगी कैसे? और यदि वाणी का ज्ञान भी आ गया, चितवन ही नहीं करेगी, तो उसकी अंतर्दृष्टि कैसे खुलेगी? इसलिए दो चीज़ें हैं, वाणी के चिंतन और चितवनी के द्वारा हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। श्री महाराज यही करवाते हैं। लौकिक कार्य के लिए, क्योंकि सुंदर साध को श्री महाराज परमधाम का रस देना चाहते हैं। रस देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको चर्चा सुनानी पड़ेगी। चर्चा सुनाएंगे, इकट्ठा करेंगे तो धन चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं राजदरबार में नौकरी कर लूं। और यही होता है, जाम राजा के दरबार में वजीर की सेवा उनको मिल गई। राजदरबार का काम निपटाते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बिहारी जी महाराज को प्रणाम करते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, सब सुंदर साथ को एकांत में पुनः चर्चा सुनाते हैं। राजदरबार जाते हैं, पुनः वहाँ का कार्य करके 4:30 बजे वापस लौटते हैं और 4:30 बजे लौटकर सब सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं। तहाँ चितवनी धाम की करत है सबको, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोय। धाम की चितवनी करते हैं सब सुंदर साथ। आज सुंदर साथ के मन में प्रश्न है कि कहाँ वाणी में चितवनी करने को लिखा है। यदि वो सुंदर साथ वाणी बीतक के इन प्रसंगों को पढ़ लें तो समझ जाएंगे कि चितवनी की कितनी प्राथमिकता है। इसी बीतक में वर्णन आता है, वर्णन करे श्री राज का सुंदर रूप अनु, सतगुरु धनिष देव चंची प्रतिदिन श्री राज जी के अनुपम सौंदर्य का, अनुपम शोभा का वर्णन करते हैं ताकि सुंदर साथ के हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाए। और यहाँ श्री महाराज भी क्या करते हैं, श्री महाराज भी सब सुंदर साथ को परमधाम की चितवनी कराते हैं। बिना चितवनी के किसी की आत्मा न जागृत हुई है न कभी हो सकेगी। परिक्रमा में वर्णन आता है, श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, अब चितवनी से कहत हो जो देत सहती अकल, मेरी बुद्धि जितनी सक्षम है उसके अनुसार वर्णन होने जा रहा है। मेरी आत्मा अंतर्दृष्टि से देखकर परमधाम की शोभा का राज्य के आदेश से वर्णन कर रही है। श्री महाराज सब सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं, खुद भी करते हैं। जब सतगुरु धनिष देवचंद जी ने करवाई स्वयं की, श्री महामती जी ने की सब सुंदर साथ को करवाई, तो आज ये प्रश्न खड़ा करना कि चितवनी कहाँ लिखा है, ये समाज में बहुत अधिक आश्चर्यजनक है। बिहारी जी महाराज को न वाणी का ज्ञान है, न चितवनी का अभ्यास है, न तो उन्हें आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है न चितवनी। संसार में ऐसा कोई भी पंथ नहीं है जो ध्यान का विरोध करता है। केवल एक निजानंद संप्रदाय है जिसमें ध्यान की प्रक्रिया का विरोध किया जाता है और कहा जाता है खूब सेवा पूजा केवल किया करो, घंटी घड़ियाल बजाओ, खूब नाचो कूदो, खाओ पियो, जुलूस निकालो, इसी से आत्मा की जागृति मानी जाती है। ये तो अंधकार है। जब तक आपकी आत्मा चितवनी में नहीं डूबेगी, जो लो जीव विचार विकार न काढ़े, जो छींट न लगे घड़े चिकटे,
जब तक जीव के विकार दूर नहीं होते, जब तक उसके अंदर विरह नहीं आता, प्रेम नहीं आता, युगल स्वरूप की छवि कहाँ बसेगी। बचने कामस काटिए राखिए नहीं रजमात्र, जोग भाई सर्वे जीतिए त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। जब तक हम अपने गुण इंद्रियों के विकारों को जीत नहीं सकते, तब तक हमारे अंदर प्रेम की पात्रता नहीं आ सकती। अभी आपने कीर्तन सुना, अब आओ रे इश्क भानुहाम, करो चरण तले विश्राम। इंद्रावती जी की आत्मा पुकार रही है कि रे प्रेम अब तू आ जा, अब आओ रे इश्क भानु हाम, मेरी हाम क्या रही है, करूं चरण तले विश्राम, कि आपके चरणों में मैं आराम पाऊं, मुझे आपके चरण कमल दिखे, आपके नख से सिख तक की मुखारविंद की शोभा दिखे। ये कब होगा, जब हमारे अंदर इश्क आएगा, विरह आएगा, बिना विरह और इश्क के किसी की आत्मा जागृत नहीं हो सकती। अभी आगे भी तक में प्रसंग आएगा, इंद्रावती जी की आत्मा कैसे विरह में तड़पती है, कैसे अपने प्राणेश्वर का दीदार करती है। और आज चितवनी को किनारे कर दिया जाता है, वाणी को किनारे कर दिया जाता है, केवल नाच तमाशे, ढोलकों की थाप पर उछलना कूदना, क्या इसी को धर्म कहते हैं, क्या इसी को आत्मा की जागृति का साधन मानते हैं। समाज जब भटकाव की तरफ चल पड़ता है तो आंख मूंद कर चलता जाता है, उसको यह विवेक नहीं होता कि हमें किधर चलना है। वाणी का प्रकाश ही तो मार्ग दिखाता है, लेकिन जब वाणी के प्रकाश से हम किनारे हो जाएंगे तो हमारा पथ प्रदर्शन कौन करेगा। बिहारी जी यही करना चाहते हैं, गादी पर बैठ गए हैं, ज्ञान है नहीं तो क्या करें। श्री महाराज के मन में एक आकांक्षा होती है कि राज्य ने मुझे इनके हाथ पकड़ाए हैं, इसलिए मैं क्यों न दिन रात इनकी सेवा करूं। सेवा करने के लिए मुझे कई सामग्री भी एकत्रित करनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वस्त्र वगैरह सब इकट्ठा करना पड़ेगा। कांजी भाई नामक एक सुंदर साथ को उन्होंने रख लिया और उसको कहा कि देखो सब सुंदर साथ को यहाँ एकत्रित करके मैं चाहता हूँ कि दिन रात वाणी चर्चा सुनाई जाए, कोई भंडारा नहीं करना चाहते। जागने उत्सव और भंडारा दोनों में अंतर होता है। भंडारे में लोग आते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा हो जाती है, मनोरंजन का कुछ कार्यक्रम हो जाता है और भोजन का महत्व होता है, सबको भोजन कराना, ये भंडारा होता है। जागने उत्सव में पहली प्राथमिकता क्या है, चितवनी की, ज्ञान की, सबको माया से परे का ज्ञान दिया जाए। इसलिए कांजी भाई को कह दिया कि देखो तुम्हें खुले हाथों से खर्च करना है, सुंदर साथ की सेवा में किसी तरह का कष्ट न हो, मैं तुम्हें धन देता जाता हूँ, उससे सारी सामग्री इकट्ठी करते जाना है ताकि कहीं किसी तरह का कष्ट न हो। अब ये सारी तैयारी चलने लगती है, इसके पहले एक विशेष घटना हुई होती है, बिहारी जी की निरंकुशता बढ़ती जाती है। आप जानते हैं यदि मनुष्य में अन्यों से कुछ विशेष उपलब्धि हो जाए, कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठ जाए, धन प्राप्त हो जाए, सुंदरता अधिक मिल जाए, कुछ विद्वता अधिक मिल जाए, तो दूसरों को अपने से ही वह हीन समझने लगता है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि इतिहास चक्रवर्ती सम्राट के भी कार्यों का मूल्यांकन करता है, समय का चक्र बहुत बलवान होता है। दोपहर को जो सूरज तपता हुआ दिखता है, शाम को वो अस्ताचल में जब चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है। हर व्यक्ति का सूरज उगता है, हर व्यक्ति का सूरज डूबा करता है। इसलिए यौवन पद और धन को पाने के बाद मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, उसको कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे अवश्य हैं, लेकिन उनके हृदय में कठोरता है। एक सुंदर साथ जो नौतनपुरी से 2 कोस की दूरी पर लगभग रहता था, बिहारी जी महाराज का आदेश था कि प्रातः सायं दोनों समय चर्चा सुनने के लिए आना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे लिए दोनों समय आ पाना संभव नहीं है, क्योंकि घरेलू काम काज कुछ ऐसा रहता है।
बिहारी जी महाराज ने इतनी सी बात पर अपना तुगलकी की फरमान सुना दिया कि तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त किया जाता है, तुम कभी भी यहाँ नहीं आना। अब उसने तो केवल निवेदन ही किया था कि मैं एक वक्त आ सकता हूँ, दोनों वक्त आना संभव नहीं। वो व्यक्ति 6-7 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा दरवाजे पर, बिहारी जी महाराज नहीं पिघले, उसको अंदर नहीं आने दिया। वो क्षमा मांगना चाहता था, दर्शन करना चाहता था, बिहारी जी ने मना कर दिया और ये भी प्रतिबंध लगा दिया सुंदर साथ पर कि कोई भी इस व्यक्ति को भोजन नहीं देगा। जब वो थक गया, लगा कि हमें कोई भी पूछेगा नहीं, प्राण संकट में है, तो श्री मिहराज का विवाह हुआ था फूलबाई से लगभग 20 वर्ष की अवस्था में। फूलबाई के पास वो चला जाता है, फूलबाई जी ने उसको भोजन करा दिया। अब बिहारी जी महाराज को बहुत बुरा लगा कि जिसको मैंने निष्कासित कर दिया, मिहराज की पत्नी ने, उसको भोजन क्यों करा दिया। अब या तो मिहराज मुझे चुने या अपनी पत्नी को चुने। मिहराज जी राज दरबार से आते हैं, बिहारी जी का आदेश उनको सुना दिया जाता है। मिहराज ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया कि भला गद्दीपति महाराज को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, आप गुरुपुत्र हैं, घर नहीं गए, और ऐसी धर्मपत्नी कोई कोई हो सकती है संसार में। फूलबाई जी ने पहले ही कह दिया कि पतिदेव आप चिंता न कीजिए, मैं इस तन को छोड़कर पुनः आपसे मिल लूँगी, परमधाम की अमलावती की आत्मा है उस तन में। विरह में तड़प तड़प कर अपने शरीर को छोड़ डाला फूलबाई ने। यह अवश्य निवेदन कर दिया कि मेरी चिता की राख पर आप अपने चरण कमल अवश्य रख देना। और श्री जी जब फूलबाई की अर्थी सजी, चिता जलाई गई, तो गए और उनकी राख पर अपने चरण कमल रख दिए उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। इतना होने पर भी बिहारी जी महाराज के ऊपर कोई असर नहीं। जो हृदय भावों से ना भरा हो, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, विरह प्रेम की धारा नहीं बहती है, उस हृदय को क्या कह सकते हैं। वो मानव का हृदय नहीं, पत्थर का हृदय है। और उस सूखे शुष्क हृदय में भला धनी के चरण कमल कैसे आ पाएंगे। अब समय का चक्र चलता रहता है, बिहारी जी महाराज वैसे किस्सा कहानियां सुनाते रहते हैं। थोड़ा सा वर्णन सुन लिया है राज्य के श्रृंगार का, बस वही सुनाते रहते हैं कि जो देवचंद जी राज्य का श्रृंगार वर्णन करते थे उसी की कुछ पंक्तियां उनको याद है चलते फिरते। ये घटना क्या संकेत दे रही है, चाहे कोई सुंदर साथ का कितना भी परिवार राज्य में निष्ठा हो रखता हो, वह अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार अवश्य दें, नहीं तो क्या होता है। हर समाज में यही देखा जाता है कि बड़े बड़े जो धार्मिक लोग होते हैं उनके बच्चे धर्म से दूर हो जाते हैं। जब सतगुरु धनी सिंह देवीचंद जी के सुपुत्र जिनके अंदर परम धाम की आत्मा है वो भी राज्य से दूर हो गए, तो और क्यों ना हो सकेंगे। अब श्री बिहारी जी महाराज अपनी गादी पर बैठे ही वही सारी बातें करते रहते हैं। सुंदर साथ औपचारिकता के नाते जरूर बैठता है, लेकिन वो बाट देखता रहता है कब श्री मिहराज आएँ और उनके पास जाकर चर्चा सुने, क्योंकि उनकी प्यास बुझती है श्री मिहराज जी के चरणों में। श्री मिहराज जी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, सब सुंदर साथ की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। अनाज, घी, खान, कपड़ा सब एकत्रित किया जाने लगता है। एक दिन नागजी भाई और बालबाई दोनों आपस में बातें करते हैं और बिहारी जी को उकसाते हैं कि बिहारी जी महाराज, हम तो जानते हैं आपको चर्चा नहीं आती, और जब मिहराज के पास कोई जाता है आपसे प्रश्न पूछने पर तो आपको उत्तर नहीं आता। मिहराज जी एक प्रश्न के 10 बार 10 तरह से समझाकर उत्तर देते हैं, और एक नया कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि सब सुंदर साथ को एकत्रित करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने घी, मैदा, खांड सब इकट्ठा कर लिया है, वस्त्र भी,
ताकि दिन रात सुंदर साथ यही रहें, वाणी चर्चा सुने। तो आप सोचिए, जब श्री महाराज चर्चा करेंगे तो आपकी गद्दी तो गई, आपको कौन पूछेगा? इसलिए आपको किसी भी तरह से ये रुकवाना होगा। और आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए भी उन्होंने खूब सुंदर कटार भी बनवा दी है, और आपके लिए एक राजाओं जैसी पोशाक भी महाराज ने तैयार करा दी है। सुंदर साथ में तो उनकी गरिमा बढ़ेगी और आप सबके सामने चुप रहेंगे, क्योंकि आप गादी पर भले ही बैठे हो, सुंदर साथ में आपके लिए श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आपके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है। सृष्टि में ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। परमधाम में यह निर्णय नहीं हो सकता था कि किसका इस कपड़ा है, क्योंकि परमधाम में सभी प्रेम में डूबे हैं। ज्ञान के आलोक में यहां जाना जा सकता है कि एक सौलीला अद्वैत में राज्य ही का दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। इसलिए यदि हम सोचें कि वाणी को किनारे करके हमारी आत्मा की जागृत हो जाए चमत्कारों से, तो यह संभव नहीं है। लेकिन केवल शब्द ज्ञान को ही आत्मसात कर लेने से जागृति नहीं होगी, उस ज्ञान को आचरण में उतारना पड़ेगा। यदि वाणी में प्रेम की महिमा है तो हमें हृदय में प्रेम धारण करना पड़ेगा। विरह की महिमा है तो विरह धारण करना पड़ेगा। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। ब्रह्मात्मा का दिल कोमल होता है, इसलिए उसको धाम की शोभा दी जाती है। इसलिए हमारा हृदय भी निर्विकार होना चाहिए, फूल की तरह कोमल होना चाहिए, तभी धनी के चरण कमल उसमें पड़ सकते हैं। अब बिहारी जी क्या करते, जाम राजा के वजीर के यहाँ चुगली कर देते। श्री महाराज ने घर का खर्च तो क्या, सुंदर साथ का सारा खर्च उठाने के लिए जाम राजा के वजीर के सचिव का पद ले लिया था। जैसे मंत्री होते हैं, मंत्री के सचिव होते हैं, उसी तरह से जामनगर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ के जो मंत्री थे उसके सचिव थे श्री महाराज। श्री महाराज ने अपने वेतन में से जो भी पैसा होता था उसी से सामान मंगवाया था, लेकिन बिहारी जी महाराज ने यह चुगली कर दी कि श्री महाराज ने तो राजघराने के कोष से, राजा के राजकोष से, देखिए इतना कपड़ा मंगवाया है, इतने जो सामग्री, इतनी सामग्रियां हैं, घी है, शक्कर है, तरह तरह की चीज़ें हैं, ये सब मंगवा रखी है, कहीं ये घोटाला तो नहीं कर रहे हैं? और आपको मालूम होता है, मालूम है कि राजा लोग या बड़े बड़े पदों पर जो बैठे होते हैं वो कान के कुछ कच्चे हुआ करते हैं, तुरंत मान लेते हैं। जीवा एक है कान दो है, क्यों? कि मनुष्य सुने ज्यादा बोले कम, लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, सुनते कम है बोलते ज्यादा है, और यहीं से अनिष्ट होता है। मनुष्य को चाहिए कि सुनने की प्रवृत्ति ज्यादा रखे और जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। अनावश्यक बोलने से कुछ न कुछ विवाद खड़ा होता है, कुछ न कुछ झूठ बोला जा सकता है। इसलिए जो भी बोलिए सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और हितकारी बोलिए। वाणी का तप क्या है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनुद्वेग कर्म सत्यम प्रिय हितम च। ऐसा शब्द बोले जिससे किसी के हृदय को ठेस न लगे, प्रिय हो, सत्य हो और हितकारी हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। अपने अहं को छोड़कर ऐसी वाणी बोलिए जिसको सुनने से जिस किसी का हृदय ठंडा हो जाए, आनंदित हो जाए और स्वयं को भी आनंद मिले। हम ऐसी कटु भाषा इस्तेमाल कर दें जिसको सुनने वाला भी दुखी और सुनाने वाला भी दुखी। बिहारी जी महाराज ने जाकर के जाम राजा के वजीर के यहाँ चुगली कर दी। उन्होंने बिना सोचे समझे श्री महाराज जी को नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद अपने घर पर किया, कहीं जेल में नहीं ले गया। जैसे जाम राजा के मंत्री का जो निवास था उसी के बड़े कमरे में तीनों भाइयों को, श्यामल जी को, उद्धव जी को और महाराज को,
तीनों को नजरबंदी की हालत में कर दिया। अब महाराज का हृदय तड़पता है कि राजजी, मैंने तो जो कुछ किया था सब सुंदर साथ की सेवा के लिए ये कार्यक्रम करने का मन में लिया था। जो भी सामग्री मैंने मंगाई अपने पैसे से मंगाई, लेकिन ये झूठी चुगली जो हो गई, मुझे आज नजरबंदी की हालत में रहना पड़ रहा है। यह वीरा बढ़ता जाता है, विक्रम संवत 1715 का समय है। उस नजरबंदी की हालत में मिहराज के हृदय का विरह इतना बढ़ जाता है कि 6 महीने तक विरह में तड़पते रहते हैं। आ विसुखी अंग में श्वास विछोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। केवल आहें निकलती रहती है। अपने अभी कीर्तन सुना था कलश का, विरहा गतिरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी होए, या मीन बिछड़ी जल थे या गति जाने सोई। विरह की अवस्था को कौन जानता है, उस मछली से पूछिए जिसको पानी से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम जीवित रहो। मछली का जीवन है पानी, पानी से निकलने के पश्चात वो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है। ब्रह्म सृष्टि भी क्या है, हज कोसर की मछली है। मोमिन अर्श वका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कोसर की मछली तिन हयाती वचन। हौज कोसर की मछली है परमधाम की आत्मा। हौज कोसर में क्रीड़ा किए बिना, मूल मिलावा देखे बिना उसको संसार में कभी अच्छा नहीं लग सकता। श्रृंगार में स्पष्ट कहा है कि आशिक इन चरण की, आशिक के रोह चरण। ब्रह्म सृष्टि क्या है, धनी के चरणों की आशिक है। जब विरह बढ़ता जाता है तो स्थिति क्या बन जाती है। विरह किसको कहते हैं, वह अवस्था जिसमें अपने आराध्य अपने प्रेमी के बिना रहा ही न जा। विरह न देवे बैठने उठने भी न दे, लोट पोट भी ना कर सके हुक हुक सांस ले। जो विरह की अवस्था में होगा न बैठ सकता है न लोट पोट सकता है न हंस सकता है न रो सकता है। श्री महाराज ने वहाँ कोई माला का जप नहीं किया, उनको अपना शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, उनको केवल परम धाम की तरफ नजर करनी है। परम धाम की तरफ उनकी दृष्टि मुड़ चुकी है युगल स्वरूप के प्रेम में, और एक ही बात पूछते हैं कि मेरे धाम धनी, मैं तो सब सुंदर साथ की आत्मा की जागृति के लिए जो आपका आदेश था मैं वो करना चाह रहा था। जो आपने श्री देवचंद जी के तन में बैठकर मुझे निर्देश दिया था कि सब सुंदर साथ की आत्मा को जगाना, इनकी इनको परम धाम की वाणी सुनाना, इनको चितवनी में लगाना, मैं तो वही कर रहा था। और इसका दंड मुझे ये दिया गया कि मैं आज नजरबंदी की स्थिति में हूँ। जो कुछ होता है वो ठीक होता है। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। राजी पल पल हमारे साथ हैं, यदि हमने सच्चा समर्पण कर दिया तो जिस स्थिति में वह रख रहे हैं उसमें हमको संतोष रखना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो राजी करेंगे ठीक करेंगे। हमसे अच्छी तो वो सीता है। सीता ने कभी राम से पूछा, आज की पत्नी होती तो महाभारत कर लेती, कि आप राजा के अधिकारी थे 14 वर्ष वन के लिए क्यों चल दिए। सीता ने कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया। राम की खुशी में सीता की खुशी है। यदि राम वन में है सीता वन में रहने के लिए खुशी खुशी तैयार है। राम के बिना सीता के लिए अयोध्या का महल श्मशान है। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी चल देती है, वो वन वन में भटकती है, अज्ञातवास में दूसरों की नौकरानी बन करके रहती है, महारानी द्रौपदी राजा विराट के यहाँ घर का काम करती है। आप सोचिए कितना त्याग है। लक्ष्मण की खुशी में उर्मिला की खुशी है।
लक्ष्मण वन में जाते हैं तो उर्मिला किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती, वो भी जमीन पर शयन करती है, वो भी तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने किसी स्त्री की तरफ आँख नहीं उठाया, तो 14 वर्ष तक उर्मिला ने भी किसी पुरुष की तरफ आँख नहीं उठाया। यह है पवित्र समर्पण, पवित्र प्रेम। हम सुंदर साथ तो जरा सा झटका होता है, राज्य से अपना ईमान खो बैठते हैं। हम ईमान में सीता, उर्मिला, यशोधरा के सामने कहीं भी नहीं ठहरते हैं। हमको परमधाम की वाणी मिली है, हम वाणी पढ़ते हैं, आँख मूंद कर चितवनी भी करते हैं, लेकिन हृदय से पूछिए क्या हर स्थिति में आप सम रहते हैं। यदि राज्य पर हमारी श्रद्धा है तो करोड़पति बना दिया तो भी उछलिए नहीं, कंगाल बना दिया झोपड़ी में कर दिया तो निराश न होइए। उन्होंने जो कुछ किया है ठीक किया है। कभी महाराज मंत्री के सचिव थे, आज कारागार में हैं तो कोई दुख नहीं, लेकिन उनका हृदय पूछ रहा है कि आखिर धाम देनी ऐसा क्यों हुआ। यही पीड़ा बढ़ते बढ़ते गहन विरह का रूप ले लेती है, और विरह की अग्नि से जिस दिन पूरा ब्रह्मांड जलने लगेगा। पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये शरीर। विरह में स्थिति ये हो जाती है, हाड़ हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल अग्नि। महाराज के शरीर में केवल हड्डियां रह जाती, शरीर सिर ऐसा लगता है कि नारियल बन गया। उस राजकुमार सिद्धार्थ से पूछिए जो वृक्ष के नीचे बैठा है, 7 वर्ष तप करते करते हो जाते, भिक्षा में जो मिल गया एक बार आहार ग्रहण कर लिया। शरीर हड्डियों का ढांचा है, एक सुकोमल शरीर जो कोमल सैया पर सोया करता था, कभी धूप का कष्ट नहीं देखा, वर्षा का कष्ट नहीं देखा, शीत का कष्ट नहीं देखा, वो वृक्ष के नीचे धूप शीत वर्षा सब सहन कर रहा है। शरीर के कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। जब इस अवस्था में जीव को तपाया जाता है तब तो हृदय के विकार दूर होते हैं। यदि हम मठों में बैठकर 56 प्रकार के व्यंजन खाएंगे, वातानुकूलित कमरों का, वातानुकूलित वाहनों का आनंद लेंगे, तो हमारी आत्मा को जागने का प्रकाश कैसे मिलेगा। जो गृहस्थी सुंदर साथ हैं वो भी राज्य की सेवा के नाम पर अच्छे अच्छे खाते पीते हैं, अच्छी अच्छी सुख सुविधाओं में रहते हैं। आप इन सुख सुविधाओं का सेवन कीजिए, सब चल सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए अपना ध्यान इन सब से हटा लीजिए। संसार के सुखों के प्रति जो आपके मन में ममता है उसको हटाकर राज्य के चरणों में केंद्रित कर दीजिए। युगल स्वरूप की छवि को निहारिए और अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भुला दीजिए। रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अपने अंदर से हटा दीजिए। स्थिर होकर के बैठिए, अंदर की आंखों से राज्य को देखने का प्रयास कीजिए। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके हृदय में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश होगा, युगल स्वरूप के चरण कमल दिखने लगेंगे। जब युगल स्वरूप के चरण कमल आपके हृदय में बसने लगेंगे, मुखारविंद भी बसने लगेगा, नख से सिख तक की शोभा बसने लगेगी। इसको कहते हैं आत्मा की जागृति होना। महाराज के साथ ये घटना घटित होती है। विरह में तड़पते तड़पते 6 माह बीत जाते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मेरे धाम धनी, जो लो आपा पान नाखियां आंख मिचे त्यारे तूने अवे शरम, क्या मैं शरीर छोड़ दूंगी तो आप आओगे। ये विरह की अवस्था है। फुट फुट का रो नहीं रहे हैं क्योंकि आंसू तो सूख चुके हैं। अंतर की दृष्टि, आंखें बंद हैं, अंतर की दृष्टि केवल युगल स्वरूप को निहार रही है, संसार में जरा भी मन नहीं है। यदि हर कोई सोचे कि हम भी 6 महीना भोजन न करें राज्य आ जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि श्री महाराज का हृदय पहले से ही निर्मल हो चुका था, क्योंकि वह पूर्व जन्म में ही उनका जीव कलाप ग्राम का योगी है, मरु राजा का जीव है, हिमालय में घोर तप कर चुके हैं, पहले से निर्मल है। इस जन्म में जो कुछ जीव के साथ विकार लगा था उसको हटाने के लिए, सुंदर साथ को मार्गदर्शन देने के लिए 6 महीने तक ये विरह की लीला होती है। और परिणाम क्या होता है? जब आ वे सुख की अंग में
आहें निकलना भी बंद हो जाती हैं, श्वास भी छोड़े वो संग और उनके प्राण निकल जाते हैं, श्वास निकल जाती है। आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल किए दियो मोहे अपनो अंग, तब अक्षरातीत उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वितक में लिखा है, यह विचार करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, जब राज्य के गहन चिंतन में डूब जाते हैं, 6 महीने के पश्चात श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, यानी देवचंद जी के धाम हृदय में कौन था? युगल स्वरूप श्री राजसेवा जी, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं। वितक में संक्षेप रूप में दर्शा दिया गया है, कलश की वाणी में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है, मैं तो आपा दे रही तुम ही रख्या जीव, बलते आप खड़ी करी कछ कारज अपने भी। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी मैंने तो अपना तन छोड़ दिया था, कछ कारज अपने पीव, आपको मेरे तन से जागनी करानी थी इसलिए आपने मेरे तन को रखा, मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए। तब हार के धनिये बिचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग, फिर बैठे माहे आसन कर श्री महामत हृदय अपंग। अपंग का अर्थ होता है टूटा हुआ। जब हृदय संसार से टूट जाए, जब लगे कि संसार में राज्य के सिवा मेरा कोई नहीं है, न भाई है न बहन है न पति है न पत्नी है न बच्चे हैं न सगे संबंधी है, जब सबसे दिल टूटता है तब राज्य से सच्चा प्रेम होता है। दिल टूटे बिना राज्य से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा प्रेम का बंटवारा हो जाता है। प्रेम कैसा होना चाहिए? एकनिष्ठ। एकनिष्ठ प्रेम का ये मतलब नहीं आप सबको घृणा की दृष्टि से देख रही है कि देखते रहिए कि हम राज्य से प्रेम करते हैं तो किसी से देखेंगे नहीं, किसी की तरफ बात किसी से बातें नहीं करेंगे, इसको नहीं कहते हैं। आप सामाजिक शिष्टाचार का निर्वाह करते रहिए, बाहर से सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, आंतरिक रूप से आपके हृदय का प्रेम केवल प्रियतम अक्षरातीत के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी मत लगा लीजिए कि हम इतने रूखे बन जाएं कि कोई आए तो हम मुँह फेर लें, ऐसा नहीं। सबका सम्मान कीजिए, सब छोटों को स्नेह दीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, लेकिन जिसको तड़पना कहते हैं केवल राज्य के लिए तड़पती है, संसार के लिए ना तड़पिए, क्योंकि संसार तो एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपका सबसे बड़ा धन है वह है राज्य का प्रेम, इससे बड़ी कोई संपदा न थी न है और न कभी होगी। लेकिन राज्य के प्रेम को सब लोग सभी सुंदर साथ या सारा संसार छोटा समझता है, यही सबसे बड़ी भूल है। अब श्री राज्य की कृपा बरसती है, युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में बैठ जाते हैं, तहां वर्णन होने लगा क्या परम राज्य के श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, दिल बैठे सुंदर रूप अनु, उनके दिल पर कौन बैठ जाते हैं? सुंदर रूप अनूप यानी अलौकिक शोभा वाले युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी श्री मिहराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद जी का धाम गमन हो जाता है, और यह घटना है विक्रम संवत 1715 की, तो 3 वर्ष कहाँ रहे? क्या परम धाम चले गए थे बीच में थोड़े समय के लिए अवकाश लेकर? ऐसा नहीं है। जो श्री देवचंद जी के अंदर युगल स्वरूप थे वही युगल स्वरूप श्री मिहराज के धाम हृदय में तत्क्षण बैठ जाते हैं लीला के लिए, लेकिन एक पर्दा है, उस पर्दे को अभी तोड़ा नहीं जा सका है। आत्मा और धनी एक है, लेकिन जीव तो इस संसार का है, ये जीव के ऊपर पर्दा है। जीव का जब तक पर्दा नहीं हटता तब तक जीव को ये पता नहीं चल सकता कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप अखंड रूप से वास कर रहे हैं। 2 स्थितियां आती हैं। संवत 1712 से पहले राज्य श्री देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे थे, उस समय इंद्रावती जी के अंदर राज्य थे या नहीं प्रश्न होता है।
या तो हम कह सकते हैं कि 1712 में श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात श्री मिहिराज के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हो गए थे और उनके तन से वाणी चर्चा प्रारंभ हो गई थी। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, ये सारी बातें आप सुनते रहते हैं। संवत 1712 से पहले मिहिराज की क्या स्थिति थी और आज हम सुंदर साथ की क्या अवस्था है? पूरी वाणी का सार तत्व एक चरण में दर्शाया जा सकता है। हक नजीक से हरक में से जिसने इस तथ्य को जान लिया उसने पूरी वाणी की कुंजी अपने पास कर ली। परमधाम क्या है? राज्य का दिल। राज्य का दिल ही श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में है, खूब खुशहालियों के रूप में है, 25 पक्षों के रूप में है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक छोटा बच्चा 2 साल का है, जब सीढ़ी से लुढ़कने लगता है, गिर जाता है, वो रोता है। पीड़ा किसको होती है? माँ को। कहते माँ कहती है कि मेरे हृदय के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े, तुझे क्या हो गया? चोट लगी है बच्चे को, पीड़ा हृदय को हो रही है, माँ को भी, क्योंकि दोनों का हृदय मिला हुआ है। और यदि कोई विरोधी होता है, आप देखते हैं ना, जब दंगे फसाद होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को लोग किस तरह से बेरहमी से मार देते हैं, आग में फेंक देते हैं, गोली मार देते हैं, रहम दया नहीं दिखाते आतंकवादी कि ये 2 साल का बच्चा है, उसको भी हत्या कर देने में जरा भी चुकते नहीं। परम धाम में कौन लीला कर रहा है? राज्य का दिल। हकीकत क्या है? हकीकत का अर्थ होता है हिंदी में सत्य। मारिफत क्या है? परम सत्य। पूरा परम धाम क्या है? मारिफत। राज्य का हृदय है मारिफत और पूरा परम धाम उसका प्रकट रूप है। मारिफत रूपी दिल ने, परम सत्य रूपी हृदय ने हकीकत यानी सत्य को प्रकट किया है, लीला को प्रकट किया है। मारिफत में देखेंगे तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, नूर ही नूर है। उसमें से जब लीला प्रकट होती है तो उसको कहते हैं मारिफत से हकीकत का प्रकट होना। हकीकत में कौन है? 25 पक्ष दिख रहे हैं, राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियाँ हैं, खूब खुशहालियाँ हैं, पश पक्षी हैं, ये सभी क्या हैं? राज्य के दिल के व्यक्त रूप हैं। आप जो राज्य के दिल में होगा, तो जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, अभी आम का मौसम बीत रहा है, कहीं कहीं बीत भी गया है। एक आम की गुठली आप बोते हैं, गुठली से पौधा निकलता है, तो उस पर क्या कीकड़ का फल लग जाएगा या बेर का फल लग जाएगा? आम की गुठली से आम के ही पत्ते जैसी सुगंध आएगी, पहले आम जैसा ही फल लगेगा, उसका रूप रंग वैसे ही होगा। उसी तरह से राज्य के हृदय से जितने स्वरूप व्यक्त दिख रहे हैं परमधाम में, श्यामा जी, सखियाँ, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियाँ, 25 पक्ष, वो राज्य के हृदय के व्यक्त स्वरूप है और सबको एक दूसरे की बात मालूम है, इसलिए उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत, यानी एक ही राज्य सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। परात्म क्या है? राज्य का तन। इसलिए राज्य ने कहा है तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो अर्श, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। सखियों, तुम जो अपने प्रेम का दावा कर रही हो, तुम अलग क्यों मान रही हो कि हमारा इश्क बड़ा है और राज्य का इश्क छोटा है? तुम मेरे से अलग हो ही नहीं, इसलिए छोटे बड़े का प्रश्न ही परम धाम में मेरे सिवा तो कोई और है ही नहीं। तुम अपने रूप को अलग मानती हो, यही बड़ा भ्रम है। और यह बताने के लिए कि राज्य, श्यामा जी, सखियाँ सब एक ही राज्य के स्वरूप हैं, ये माया का खेल बना, क्योंकि राज्य अपने हृदय में सबको डुबो लेना चाहते हैं, अपना हृदय सबके सामने खोल कर रख देना चाहते हैं। यही बात परम धाम में भी नहीं मालूम थी। मैं हक हर्ष में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन।
मैं हकर्स में जुदे जानती। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राजी, हमने आपको अपने से अलग जाना था कि हम आपकी अंगना है और आपको रिछाती। अब इस जागनी लीला में पता चलता है कि हम और आप तो एक स्वरूप है। तो प्रश्न यह है कि जब एक स्वरूप है तो एक स्वरूप क्या अलग हो सकता है? हम हैं तो क्या हम अपने हाथ को काटकर अलग फेंक सकते हैं? जब सागर अपनी लहरों को अलग नहीं कर सकता, सूर्य अपने किरणों को अलग नहीं कर सकता, तो राज्य अपनी आत्माओं को अलग कैसे कर सकते हैं? इसलिए राज्य न ब्रज में अलग थे, न रास में अलग थे, न जागनी में कभी अलग हुए, लेकिन लीला रूप में सब दिखता है। क्योंकि ब्रज में हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठी है, जीव की अंतर्दृष्टि तो खुली नहीं थी, वो पूरी निद्रा का ब्रह्मांड था, इसलिए 52 दिन की जुदाईगी भी हुई। रास में भी राज जी ने जब आवेश खींचा, जोश खींचा, तब भी जुदाईगी का एहसास हुआ। लेकिन और इस जागनी लीला में श्री देवचंद जी के अंदर बैठे हैं, जैसे पहले ही मैंने कह दिया है, हमको खेल दिखावन काज, हमसू आगू आए श्री राज। तो राज जी सब सुंदर साथ के साथ ही आए मान लीजिए, क्योंकि परम धाम से जब तक राज्य की आवेश शक्ति नहीं आएगी, किसी की भी सुरता इस खेल में नहीं आ सकती। राज्य की दृष्टि जहाँ जाएगी वहीं सखियों की दृष्टि जाएगी, इसके पहले नहीं। ऐसा तो नहीं जब श्री देवचंद जी 16.5 वर्ष के लगभग होते हैं, बारात के पीछे पीछे जब जा रहे हैं, तब राजी परम धाम से आए तब तो 16 साल का गैप हो जाएगा। तो इस चौपाई का क्या अर्थ करेंगे कि हम सब आगू आए श्री राज। राजी कहीं नहीं गए, श्री देवचंद जी के धाम हृदय में बैठे हैं, लेकिन उनके जीव के ऊपर पर्दा पड़ा है और उनकी आत्मा जीव पर बैठकर जीव की लीला को देख रही है। इसलिए आत्मा के ऊपर फरामोशी का आवरण है, वो अपने अंदर बैठे हुए राज्य के स्वरूप को नहीं जानती। जैसे कई बार मैंने चर्चा में इस दृष्टांत को दिया है, आप दिल्ली में चले गए, आपके पॉकेट में 500 रुपये का नोट है लेकिन आप भूल गए हैं। एक पॉकेट में आप हाथ डालते हैं तो लगता है कि 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं सरसावा कैसे जाऊँगा, सोच रहे हैं कि मैं किसी से नंबर मिलाऊं, कोई सुंदर साथ आकर मुझे दे जाए, तब तक आप दूसरे पॉकेट में हाथ डालते हैं और आपको 500 रुपये का नोट मिल जाता है, आप खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। आप सोचिए, जब तक आपने दूसरे पॉकेट में हाथ नहीं डाला था तब तक आपको लग रहा था कि मैं 1 रुपये भी नहीं रखता। उसी तरह से जब तक आपकी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती है, भौं भ्रिकुटी पल पापड़ मुस्कत निलवट केस, इन भी धक मुख न रखिए, तब खुले अंतर के पट। अंतर का पर्दा जब तक नहीं हटता, जब तक पर्दा नहीं हटेगा, किसी को भी पता नहीं चल सकता कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में राजी रहते हैं। क्योंकि आत्मा किसको देख रही है? जीव को। जीव किसको देख रहा है? अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को। सम्मान मिला खुश हो जाता है, अपमान मिला दुखी हो जाता है, संसारिक वस्तुएं मिलती हैं तो खूब खुश हो जाता है, उसका भाव होता है तो दुखी होने लगता है, मेहर सागर का गोटा लेकर बैठ जाता है कि राज्य हम बहुत दुखी हैं, हमको दुख से उबारिए, और राज्य हंस रहे हैं। दुखी कौन हो रहा है? जीव। माया मिलने पर सुखी कौन हो रहा है? जीव। आत्मा नहीं हो रही है, पर आत्म के दिल में राज्य हैं तो आत्मा के दिल में भी राज्य रहेंगे। अरस्तन दिल में ये दिल, दिल अंतर पट कछना है। अरस्तन दिल में ये दिल, हमारी जो आत्मा का दिल है पर आत्म के दिल का प्रतिबिंब है। हमारी आत्मा क्या है? पर आत्म की नजर है। सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स, पर आत्म का अक्स है आत्मा। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतरा। यह बात सागर ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य की शोभा विराजमान हो जाएगी,
तो आत्मा में और परात्मा में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा. जब तक तारतम वाणी का प्रकाश नहीं मिलता तब तक क्या होता है. सुंदर साथी सोचते हैं कि राज जी हमसे कितने दूर हैं, पता नहीं राज जी होंगे कि नहीं होंगे, राज जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. पर्दा हटा दीजिए तो आपकी आत्मा में ईगल स्वरूप दिखने लगेंगे. इसलिए देवचंद जी के अंदर भी राज जी हैं, लेकिन वो भी खोज में लगे हुए हैं, क्योंकि जीव को उस योग्य बनाना है, जीव को विरह में तड़पाना है. यही कारण है कि 40 वर्ष तक श्री देवचंद जी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है. राज्य दर्शन देते हैं फिर ओझल हो जाते हैं. ऐसा नहीं सोचे कि राज्य किसी मंदिर में बैठे रहते हैं, पेड़ पर बैठे रहते हैं, पहाड़ की चोटी पर बैठे रहते हैं, या परमधाम से आकर दर्शन देकर फिर भाग परमधाम जाकर चले जाते हैं. ऐसा नहीं है. तब तो सारा सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा कि राज्य माया के खेल में छोड़कर परमधाम में अकेले बैठे रहें. जो अक्षरातीत अपनी आत्माओं को अपने चरणों में बैठाए रखा है वो माया के खेल में भी नहीं छोड़ सकता. इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान, जो मेहर का सागर है इस माया के खेल में भी सबके धाम हृदय में बैठा है. लेकिन हंसी इस बात की हो रही है कि किसी को पता नहीं है कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में राज जी बसते हैं. कैसे, क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारे जीव से बहुत बड़े बड़े काम हो बुरे काम होते हैं. चोरी हम करते हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकार हमको सताए रहते हैं. तो प्रश्न होता है कि राज जी हमारी आत्मा के धाम हृदय में कैसे रह सकते हैं. अब इस तथ्य को समझिए, पाप कौन कर रहा है? हमारा जीव. विकार किसमें हो रहे हैं? जीव के हृदय में विकार हो रहे हैं, अंतःकरण में विकार हो रहे हैं, जीव के मूल स्वरूप में विकार नहीं है. जैसे हीरे का एक टुकड़ा कीचड़ से लपेट दीजिए तो कीचड़ से ढका हुआ दिखाई देगा, लेकिन कीचड़ हीरे को छेदकर अंदर नहीं जाएगा. उसी तरह से जीव ने जो अंतःकरण धारण किया है उस अंतःकरण में काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि धधक रही है और उससे पूरा शरीर जल रहा है. कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है तो क्या कहेंगे, अरे ये तो चोर है. महावीर स्वामी ने आज से 2500 वर्ष पहले बहुत ऊंची बात कही थी कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, क्योंकि हर महापुरुष देखता है कि इसके द्वारा पाप हो रहा है लेकिन उसकी चेतना तो पाप से रहित है. हाँ, किसी की चेतना कीचड़ में ज़्यादा डूबी होती है पाप के और कोई इससे रहित हो जाता है तो वो धर्मात्मा कहलाता है. अंदर में क्या है? सत्व रज और तम प्रकृति के बंधन है. रज और तम का आवरण जिस पर ज़्यादा चढ़ जाता है वो पापी हो जाता है, जो सतुगुणी रहता है वो पापों से बच जाता है. बस यही तो कहानी है. लेकिन मिहिराज के अंदर भी राजी लीला रूप में विराजमान हो गए. हाँ, अब प्रश्न यह होगा, क्या दो राजी रहते हैं? एक राजी दर्शन देकर के जब लीला के लिए विराजमान होते हैं तो वो अलग राजी, और एक राजी जो दर्शन से पहले रहते हैं हमारी आत्मा के धाम हृदय में. राज्य दो नहीं होते, राज्य तो एक ही होते हैं. हमारी आत्मा पर जो पर्दा होता है, पर्दा भी कहिया दिल को, फरामोशी भी कहिया दिल, हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कहिया दिल, फरामोशी भी कहिया दिल को, आया सहुरे बेवरा निकल. हक भी कहे दिल में, राज्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में. पर्दा भी कहिया दिल, दिल के ऊपर पर्दा है, क्योंकि हमारी आत्मा जीव के दिल पर बैठकर खेल को देख रही है. जब हमारी आत्मा अपने हृदय के पर्दे पर देखने लगेगी तो उसको राज्य दिखेंगे. जिसने इस सूत्र को समझ लिया उसने जागने का सूत्र समझ लिया. आप चोरी करते हैं तो कौन चोरी करता है? क्या आपकी आत्मा चोरी करती है या आपका जीव चोरी करता है? जीव रो रहा है, जीव हंस रहा है, इसको आत्मा दृष्टा होकर देख रही है जीव के हृदय पर विराजमान होकर कि जीव ऐसा कर रहा है. इधर से जीव से नज़र हटा लेगी, संसार से नज़र हटा लेगी, अंतर्मुखी होगी, परात्म की तरफ नज़र करेगी
परात्म का श्रृंगार सजेगी तो उसको अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, परम धाम का दर्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विज्ञान की बात है। जिसने पिंड ब्रह्मांड दोनों से पहले अपनी नज़र हटा लिया, उसने माया के पर्दे को हटा लिया। हमारे और धनी के बीच में पर्दा किसका है? ये शरीर और संसार का। पिंड ब्रह्मांड का पर्दा हटा दीजिए, फिर देखिए आपके धाम हृदय में धनी है कि नहीं। ये पर्दा श्री महाराज पर भी पड़ा रहता है, हमारे आपके ऊपर भी पड़ा हुआ है। महाराज के अंदर 1712 में ही राज्य बैठ गए हैं, लेकिन महाराज जी को पता नहीं है कि उनके तन से चर्चा कौन कर रहा है। चर्चा करते जाते हैं, सुंदर साथ भाव भी रखता है, खुद पता नहीं। अब हफ्से में 6 माह तक विरह में तड़पते हैं। जब जीव विरह में तड़प तड़प कर कुंदन बन जाता है और विरह की लपटों से सारा शरीर रूपी ब्रह्मांड जल जाता है, तो आ विसुखी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। तब अक्षर तीत उनकी आत्मदृष्टि के सम्मुख आते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान होकर कहते हैं कि इंद्रावती, सारों के सुख कारने तू जाहिर हुई महामत। तुमसे सारे ब्रह्मांड को सुख मिलना है, तुझे मैं अपनी शोभा दूंगा। तुम सारे ब्रह्मांड को मुक्त करोगी और सारे ब्रह्मांड में तुम अक्षरातीत के रूप में जाहिर होगी। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लिए। अब इंद्रावती जी को ये सारी शोभा मूल स्वरूप देते। 6ठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ के सामने बीतक का यह घटनाक्रम प्रस्तुत है। दुर्भाग्य है कि हम सागर श्रृंगार की सिंधी की वाणी को हम समझते नहीं और समाज का शीर्षस्थ वर्ग समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन हमारा समाज वाणी के तथ्यों को समझ जाएगा कि हक नजीक सहरक से, उस दिन हमारी रहनी कुछ अलग हो जाएगी। हम हकीकत के धरातल पर अपनी आत्मा को विचरण करता हुआ पाएंगे। हम नाच गान तमाशों में, ढोलकों में जो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, जड़ पूजा में जिस तरह से अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, उससे परे होकर परम धाम के शाश्वत आनंद में विहार किया करेंगे। अब यहाँ से वाणी का अवतरण शुरू होता है। वर्णन होने लगा चित दिल बैठे सुंदर रूप बनो। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार अवतरित होता है, रास की वाणी का अवतरण शुरू हो जाता है, उसको उद्धव ठाकुर लिखते जाते हैं। जब वाणी का अवतरण होने लगता है तो उनके भाई, बड़े भाई श्यामल जी भी होते हैं, उन्होंने देखा कि यही तो महाराज है जिसको मैंने बचपन में डांटा था, यह अब मेरा भाई नहीं है, इस तन में तो परब्रह्म की शक्ति लीला कर रही है। वाणी में वर्णन आता है, काले पत्थर ठीक होते सो भी हुए टुकटुक। अब वो भी फिदा हो जाते हैं कि अब ये महाराज नहीं है बल्कि इस तन में अब तो परब्रह्म ने लीला करनी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार अवतरित होता है, उसके पश्चात राज्य का श्रृंगार अवतरित होता है, सुंदर साथ का भी श्रृंगार अवतरित होता है, रास की रामतों का वर्णन होता है। पहले प्रकरण से लेकर रास के जो प्रारंभिक 5 प्रकरण हैं वो दीप बंदर में उतरते हैं। रास की रामते उतरने के पश्चात प्रकाश गुजराती का अवतरण होता है, खटुती की वाणी उतरती है और कलश गुजराती की 2 चौपाइयाँ उतरती है। उधर कुतुब खान ने आक्रमण कर दिया था। कुतुब खान गुजरात का सूबेदार था, जामनगर जैसे छोटे छोटे राज्यों को कर चुकाना पड़ता था, समय पर कर न चुकाने के कारण कुतुब खान ने आक्रमण कर दिया होता है। उससे समझौता करने के लिए जाम राजा के साथ वहाँ का वजीर भी चला गया होता है, उससे मिल करके आने में 6 महीने का समय लग जाता है, लंबा समय। परिणाम यह होता है कि महाराज जी को 6 महीने तो विरह में बीत गए होते हैं नज़रबंदी की हालत में, और वाणी के अवतरण में 6 महीना बीत गए होते हैं। उद्धव जी जो आवेश में वाणी अवतरित हो रही है दीवार पर जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, क्योंकि राज जी बैठ कर थोड़े लिखवाएंगे, वो तो महाराज के तन से आवाज़ आती जा रही है। उद्धव जी सोचते हैं कि ये अलौकिक वाणी है,
दीवार पर कोयले से लिखते जाते हैं, फिर उसको कागज पर बाद में लिखकर संग्रहित कर लिया गया। अब जिस समय राज की वाणी उतरती थी, उस समय जिस कक्ष में श्री मेराज सहित उनके दोनों भाई नजरबंदी की हालत में थे, वहाँ प्रकाश फैल जाता था और मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ती थी। दरवाजे में छिद्र से जो मंत्री की रानियों ने सारा दृश्य देखा था। जब वो मंत्री आए तो महल की रानियों ने उनसे बहुत झगड़ा किया कि आपने क्या किया, एक तो श्री महाराज के पूरे घर का पूरा धन यहाँ जब्त करवा लिया, उनका कोई दोष नहीं, कभी आप तो यह तो देखे होते महाराज का क्या दोष है, आपको नहीं मालूम कि इनके पास अलौकिक शक्ति है, हमने दरवाजे के छिद्र से देखा है कि साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, राज की रामते होती हैं, गोपियों का दृश्य दिखाई देने लगता है और इतनी मधुर ध्वनि आती है, आप इनके चरणों में गिरकर अपनी क्षमा मांगिए, अन्यथा ये तो बहुत विध्वंस हो जाएगा। सचिव को बहुत ये मंत्री जी को बहुत कष्ट होता है, उन्होंने जाकर के श्री महाराज से क्षमा मांगे और सिरोपाव कहते हैं, पांच वस्त्र होते हैं, नीचे का, ऊपर का, कमर का, पाग वगैरह, सिरोपाव देकर उनको विदा किया और जामनगर के जूनागढ़ के पास का कुछ क्षेत्र भी दे दिया कि वह आपको हम देते हैं, आप वहाँ गांव बसाइए। आप श्री जी, आप श्री महाराज, अब महाराज अब नहीं रहे, अब यहाँ से उनको हर जगह श्रीराज कहा जाएगा, श्री जी कहा जाएगा, क्योंकि महाराज तो पहले कहला रहे थे। मार्फत के दृष्टि से देखें तो हर सुंदर साथ क्या है, परात्म की दृष्टि से वही है जो राज्य है, आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, हकीकत की दृष्टि से तो हम ब्रह्मात्मा हैं, उनकी अंगना है, शरीर की दृष्टि से जब देखते हैं तो हम स्वयं को जीव भाव में पाते हैं, अपने को सुखी दुखी छोटा बड़ा स्त्री पुरुष बाल बच्चा बूढ़ा युवक आदि चीज़ों में देखते हैं। सबसे दृष्टि जब हट जाती है तब यथार्थ ज्ञान का प्रकाश होता है, पूरी वाणी समय समय पर उतरती है। राज प्रकाश खटुति की वाणी उतरी हफ्से में। जब श्री जी अनूप शहर आते हैं तो प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरण हुआ, जिसको प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी कहते हैं। प्रकाश गुजराती जिसकी बेहद वाणी उतरी है दीप बंदर जाते समय जल में, और वहाँ नजरबंदी की हालत में कलश गुजराती के दो चौपाइयाँ उतरी थी। सनंद ग्रंथ अवतरित हुआ दिल्ली से अनूप शहर जाते समय, यानी अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद, ये तीन ग्रंथों का अवतरण हुआ। किरंतन प्रारंभ से उतरते रहे, 1712 से लेकर 1751 तक किरंतन ग्रंथ समय समय पर उतरते रहे भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार। रामनगर में कुछ श्रृंगार और कुछ परिक्रमा की वाणी उतरी अंश रूप में। पन्ना जी में खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फत सागर, ये सात किताबें उतरी। क्यामतनामा चित्रकूट में उतरा। जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज, सो सारे परनामी ने वास्ते सयन के सुकाज। परम धाम की सात परिक्रमा यानी परिक्रमा ग्रंथों अवतरित हुआ, लेकिन एक चरण पर विवाद होता है, सातों स्वरूप श्रीराज की क्या है। इसमें कई विचार धाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है कि सातों स्वरूप श्रीराज यानी खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये सात किताबें पन्ना जी में उतरी, इसलिए इसको सात स्वरूप कहा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों क्यामतनामा चित्रकूट में नहीं उतरा, एक ही क्यामतनामा उतरा।
अब एक विचारधारा कहती है कि सात स्वरूप क्या, दो रास पांच अर्ष जीव पर बोझ न दिया सिर स्वरूपों के। तो राज्य के पांच श्रृंगार तो ठीक हो जाता है, लेकिन रास के श्रृंगार का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि रास के श्रृंगार का तो वर्णन हो चुका है। सातों स्वरूप श्रीराज, सातों स्वरूप श्रीराज यानी सागर ग्रंथ में राज्य का तीन बार श्रृंगार वर्णन है, पांचवें प्रकरण में, आठवें प्रकरण में, दसवें प्रकरण में। और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का नख से सिख तक चार बार श्रृंगार वर्णित हुआ है, इसलिए सागर और श्रृंगार ग्रंथ के लिए सातों स्वरूप श्रृंगार, सातों स्वरूप श्रीराज कहा गया है। जैसे कहते हैं कि राज्य का स्वरूप पढ़िए, तो आप पढ़ने लगते हैं ना प्रातःकाल सेवा पूजा में, श्रीराज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान भय, इसको क्या कहते हैं, स्वरूप। अष्टपर में वर्णन आता है, तहाँ स्वरूप वर्णन करके, स्वरूप वर्णन का तात्पर्य राज्य के नक्शे सिख तक के श्रृंगार के वर्णन को स्वरूप वर्णन करना कहते हैं। इसलिए सातों स्वरूप श्रीराज अर्थात राज्य के सातों स्वरूप जो तीन बार सागर ग्रंथ में और चार बार श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित है। पूरी वाणी 14 ग्रंथों का एक संकलन है जो श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात सिंहासन पर पधराई गई, और यहाँ वर्णन दिया गया कहने वाले कौन है, स्वयं अक्षरादित्य, कहने की शोभा कालभूत को दई, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरादित्य ने इस वाणी को कहा है। इसलिए कहा है श्रीमुख वाणी धनिये कही कहने की शोभा कालभूत को दई। महामती जी ने स्पष्ट कह दिया है जिन कोई देव महामती को दोष, ये वचन महामती से प्रकट न हो। यह महामती की वाणी नहीं है, मिहराज की वाणी नहीं है, किसकी वाणी है, अक्षरातीत की वाणी है। हर प्रकरण के अंत में जरूर आएगा महामती कहे, इंद्रावती कहे या मिहराज कहे, ये तो छाप है। मेरी बुद्धि लुगान निकसे धनी जाहिर करी अखंड घर सुख, मैंने तो इसका एक अक्षर भी नहीं कहा है। इसलिए कोई भी विद्वान कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा कोई परमहंस हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति को न हो, उसके कथन को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, प्राथमिकता हमें तारतम वाणी के कथन को देना चाहिए। कोई भी समाज, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति तारतम वाणी के कथन से ऊपर नहीं हो सकता। सम्मान आप सबका कीजिए, उनका जिनका कथन वाणी के अनुकूल है। यदि समाज वाणी के कथनों को छोड़ देगा तो ऐसे अंधकार में भटकेगा कि उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रह जाएगा। और आज ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा है, समाज की आस्था वाणी पर कम है, व्यक्ति विशेष पर केंद्रित है ज़्यादा, गादी पर अधिक केंद्रित है, स्थान विशेष पर केंद्रित है, इसलिए वाणी के कथनों को हम अन्यथा कर देते हैं। हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि वाणी की इस चौपाई का क्या अर्थ है, जो उसका वास्तविक अर्थ है उसी को मानना चाहिए, उसमें पक्षपात कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे, वाणी से किनारा कर लेंगे तो हम अंधकार में भटक जाएंगे। इसलिए श्री जी ने अपने अंतर्ध्यान लीला के पश्चात सिंहासन पर अपनी ब्रह्मवाणी को पधरवाया ताकि सुंदर साथ परम धाम की राह पर चलता रहे। अब श्री महाराज श्री जी तीनों ग्रंथों को लेकर बिहारी जी के पास आते हैं, बिहारी जी को दिखाते हैं और बताते हैं कि बिहारी जी महाराज, राज्य की कृपा हुई, नज़रबंदी की हालत में मेरे तन से ये वाणी उतरी है, आप भी इसको देखिए। बिहारी जी जैसे ही पढ़ते हैं, पढ़ते तो थे ही, बिहारी जी चमके सुन खटुति के वचन। खटुति में लिखा है कि ये निध मोबिन कोणे ना मिलो, वाले अम्बिना कोणे ना मिलो, राजी मेरे सिवा किसी को नहीं मिले। तो बिहारी जी को गुस्सा चढ़ता है कि गादी पर मेरे बैठने से क्या लाभ है, जब ये कहते हैं कि राजी मेरे अंदर हैं तब तो मैं मेरा गादी पर बैठना ही निरर्थक है, गादी पर जो बैठेगा वो कौन क्या कहलाएगा, अक्षरातीत। और यही समाज में विकृति चल रही है। आज
सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को निजानंदाचार्य कहा जाता है, पहला आचार्य। श्री प्राणनाथ जी को दूसरा आचार्य कहा जाता है। वाणी में कहीं भी बीतक में ऐसा शब्द नहीं है जिसमें देवचंद जी को और श्री प्राणनाथ जी को आचार्य कहा जाता हो। क्या ये दुनिया के आचार्य हैं? क्या ये दुनिया के साधु महात्मा हैं? रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत वैष्णव अपरस आचार्य। मैं सिद्ध साध भग न सिद्ध हूँ, न साध हूँ, न संत हूँ, न भक्त हूँ, न छूत छात मानने वाला कोई कर्मकांडी व्यक्ति हूँ। प्राणनाथ जी को हमने आचार्यों की श्रेणी में ला दिया स्वयं को बड़ा करने के लिए। यदि हम उनकी गादी पर बैठते हैं तो हम स्वयं को या तो उनके समकक्ष मानते हैं या कहीं ना कहीं अपनी विशेषता दर्शाते हैं कि प्राणनाथ जी ने तो 5,000 को तारतम दिया होगा, हमने तो लाखों को दिया है। ये कितनी बड़ी भ्रांति है। गादी पर बैठने मात्र से कोई अपने को सर्वोपरि माने ये उचित नहीं। सबको यही सोचना चाहिए कि सबकी शोभा प्राणनाथ जी से है। यदि हम प्राणनाथ जी की गरिमा बढ़ाएंगे तो हमारी गरिमा अपनी स्वयं बढ़ेगी। पहले मोको सब जान से तब होसी तुम्हारी पहचान, हम तुम जाहिर हुए दुनी कायम होसी निदान। आप राज्य की महिमा को जाहिर कीजिए तो आप स्वयं जाहिर हो जाएंगे। आप अपनी महिमा जाहिर करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इन जिमी में साथ जी जिनो करी सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले कईयों जीत के बाजी हारी। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय की पत्नी आ जाए और मंच पर खड़े होकर यह बताने लगे कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने करोड़ की संपदा है, तो आप में से कोई भी उसका महत्व नहीं देगा। वो केवल इतना कह दे कि मैं देश के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी हूँ, बस हर कोई स्वागत करेगा। आपको भी यही करना है। आपको श्री प्राणनाथ जी की महिमा गानी है, अक्षरातीत की महिमा गानी है। आपकी महिमा दुनिया खुद गाएगी। जो मेरी शुद्ध दियो और को चले तुम्हारा हुक्म। आप राज्य की पहचान दीजिए तो संसार आपका कहना मानेगा। आप राज्य की पहचान न देकर अपना हुक्म चलाएंगे तो आपका कहना कोई भी नहीं मानेगा। हमारे समाज में यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। प्राणनाथ जी और श्री देवचंद जी से अपने को ज़्यादा विशिष्ट बनाया जा रहा है। यही कारण है कि समाज कहीं ना कहीं अंधेरे में भटक रहा है। इसलिए जब देवचंद जी को और प्राणनाथ जी को आचार्यों की गिनती में किसी भी चौपाई में नहीं रखा है तो हम उनको भी निजानंदाचार्य कहें, प्राणनाथ जी को दूसरे आचार्य कहें, ये खेदजनक है। हम उनको श्री कृष्ण का भक्त कहते हैं। जितना वैष्णवों के जो सांप्रदायिक आचार्य हो गए हैं, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, उसी तरह से हमने निजानंदाचार्य शब्द ले लिया। बीतक में कहीं भी निजानंदाचार्य शब्द नहीं है। वाणी में क्या लिखा है बीतक में? जब जन्मे श्री देवचंद जी, कितनी खुशी की बात हुई यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। सारे ब्रह्मांड को मग्न होना पड़ा क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड के लिए खुशखबरी थी। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे कर परीक्षित सो कहियो विचार। इतने बड़े स्वरूप को, परब्रह्म की हलादनी शक्ति के प्रकटन को हम एक संसार के आचार्यों से तुलना करने लगते हैं और स्वयं को उनके समकक्ष बताने का प्रयास करते हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी भूल है। अब श्री महाराज जब बिहारी जी को तीनों ग्रंथ देते हैं तो खटुती के प्रसंग सुनकर के उनको बहुत बुरा लगता है। प्रकाश को जो पढ़ते हैं तो उसमें एक और बात आती है, सही तो मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। इस चौपाई में सीधे बिहारी जी को संबोधित करके कहा गया है, सही तो मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, यानी मुझे राज्य मिल गए,
ये बात तो उनको चोट पहुंचाने वाली थी कि महाराज कह रहे हैं कि मुझको राज्य मिल गए हैं तो मैं गादीपति बैठकर गादीपति बनकर राज्य तो मैं कहला नहीं सकता, क्योंकि बिहारी जी के मन में क्या था कि मैं गादी पर बैठा हूं तो राज्य मैं हूं। आज भी समाज में यही भ्रांति चल रही है, जो प्रमुख स्थानों की गादी पर बैठते हैं वो ये मान लेते हैं कि हम उनके बराबर हैं, गादी पर बैठने मात्र से कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। गादीवाद के संबंध में चार वेदों में छह दर्शनों में किसी भी मनुस्मृत के किसी भी श्लोक में या हमारी परंपरा में कहीं भी गादीवाद का उल्लेख नहीं है। यह भूल भीष्म पितामह की है और उन्होंने केवल यह भूल कर दी, केवल सांत्वना के लिए वचन दे दिया अपनी माँ को कि जो हस्तिनापुर के सिंहासन की मुझे रक्षा करनी होगी। भीष्म पितामह कोई त्रिकालदर्शी तो थे नहीं, उन्होंने नहीं जाना कि आने वाले समय में धृतराष्ट्र का पुत्र यहाँ की गद्दी पर बैठकर अत्याचार करेगा। अपने वचन से बधे हुए भीष्म पितामह जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र पक्ष ले रहा है अपने पुत्र का और दुर्योधन शकुनि के साथ मिलकर अत्याचार कर रहा है, वचन के बधे होने से हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दिए। हृदय से चाहते थे कि पांडवों की विजय हो, लेकिन पांडवों के विरुद्ध में लड़ते रहे। उसी को आधार आज भी माना जाता है कि हम गादीपति को नहीं मानते, गादी को मानते हैं, उस गादी पर जो भी बैठेगा हम उसको समर्थन देंगे। यहीं से भ्रांति चल पड़ी, वो तो राजनीति का विषय था, धर्म के क्षेत्र में एक तख्त का कोई महत्व नहीं होता है। यदि गादी में शक्ति होती तो उस गादी पर बैठते ही बिहारी जी को परमधाम के दर्शन होने लगते, परमधाम की वाणी उतरनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कुछ हुआ। वाणी किसके तन से उतरी? महाराज के तन से, जिन्होंने हफ्से में विरह में तड़प कर अपने धाम धनी को पाया, परम धाम की वाणी उनके तन से उतरती है। लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि महाराज हमारी राह कोई और है, तुम ये वाणी ना सुनाया करो नहीं तो समाज भटक जाएगा। वाणी वहाँ न पसरी उस वक़्त उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन। एक भी बात वाणी की सुनने को उनको नहीं मिल सकी, क्यों? क्योंकि बिहारी जी नहीं चाहते थे। इसलिए गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि वह वाणी के प्रकाश से दूर है तो अपने जीते जी कभी भी वाणी का प्रकाश नहीं होने देगा, वो प्राणनाथ जी की महिमा को कभी फैलने नहीं देगा, क्योंकि उसको भय लगा रहता है कि हमारी महत्ता कम हो जाएगी। यही सबसे बड़ी भूल है। यदि हर सुंदर साथ, चाहे वो विद्वत वर्ग हो, चाहे सामान्य सुंदर साथ या गादीपति, जो युगल स्वरूप की महिमा को फैलाएगा, इस जागनी लीला में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा को फैलाएगा, उसकी महिमा स्वतः बढ़ेगी। लेकिन अपनी महिमा को फैलाने के प्रयास में हम राज्य की मेहर से कोसों दूर हो जाते हैं। बिहारी जी महाराज ने वहाँ वाणी के प्रसार को होने नहीं दिया। अब श्री महाराज वहाँ से चल देते हैं जूनागढ़ में गांव बसाने के लिए। सोरठा नामक एक स्थान है, उस गांव को बसाना था, क्योंकि जामनगर के राज की तरफ से वहाँ की जमीन श्री महाराज जी को हस्तांतरित कर दी गई थी कि ये जमीन आपको दी जाती है, क्योंकि हमसे भूल हो गई थी उसके प्रायश्चित स्वरूप। महाराज जी जा रहे हैं, विक्रम संवत 1716 का समय है, 1715 तो बीत चुका होता है। रास्ते में धोराजी आते हैं, धोराजी में एक तेज कोरी नाम की लड़की उनको देखते ही घूंघट कर लेती है। कुएं पर श्री जी पानी पीने के लिए गए होते हैं, उनको देखकर घूंघट कर लेती है। उसके पिता पूछते हैं कि बेटी तुमने ये क्या कर लिया? वो कहती है कि पिताश्री ये मेरे पूर्वजन्म के प्रियतम हैं,
जाकर इनसे पूछिए इनका नाम मिहिराज है कि नहीं, और इनकी पहली उनकी पत्नी का नाम फूलबाई था कि नहीं, और उनकी पत्नी ने तन छोड़ा है कि नहीं। पिताश्री ने जाकर के पूछा, वीरजी भाणजी उनका नाम है। फूलबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुतियाना गांव में। और इनका तेज कुंवरी जी का जन्म कहाँ हुआ है? धोराजी गांव। अब पिताश्री ने जाकर जैसे श्री जी से पूछा तो सारी बात पता चल गई कि हाँ सचमुच में ये जो तेज कुंवरी है ये पूर्वजन्म में फूलबाई थी और उन्होंने विधिवत आकर के विवाह कर दिया। तेज कुंवरी जी के जन्म के बारे में कई विरोधी विचारधाराएं सुनने को मिलती हैं। विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद जी का धामगमन होता है और फूलबाई का देह त्याग 1712 के पश्चात भी हुआ होगा। आप सोचिए ये समय है विक्रम संवत 1600 का, 1716। चार वर्ष की बच्ची कितना भी होगा उसका विवाह तो हो नहीं सकता। जब बिहारी जी गादी पर बैठे होते हैं तभी फूलबाई का तन छूटता है। जैसे ब्रज में किशोरी कन्याओं के ऊपर परमधाम की आत्माएं पृष्ट हो गई, आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, उसी तरह से तेज कोरी के अंदर जो अमलावती की वासना जो पहले फूलबाई के तन में थी किशोरी कन्या को देखकर उसके तन में प्रविष्ट हो जाती है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा विवाह किससे करें। तेज कुंवरी जी मना करती रहीं कि जब समय आएगा मैं खुद बता दूंगी, और जब उन्होंने अपने प्राणेश्वर को देखा तो स्वीकार कर लिया कि यही मेरे प्रीतम हैं, मेरा विवाह इन्हीं से होगा। ये उस तन में फूल अमलावती की आत्मा अपने धाम धनी को रिझा नहीं सकी थी, दोबारा तन मिलता है, उनको सुनहला अवसर मिलता है। और आप देखेंगे महाराजा छत्रसाल जी ने भी उनको तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी जी को श्यामा जी का भाव लेकर महाराजा छत्रसाल जी ने सिंहासन पर बैठाया था और आरती उतारी थी। यदि आप राज्य के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रेम कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। यदि आप राज्य का ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी वाणी को पढ़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि लोग मुझे शाबाशी नहीं दे रहे हैं, राज्य मेरे सामने नहीं आ रहे हैं तो ये फल निरर्थक हो जाएगा। राज्य से किया हुआ प्रेम कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा। आप जितना धन कमाएंगे, जितनी प्रतिष्ठा कमाएंगे, आप अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन राज्य का आपने एक घंटा भी दो मिनट भी ध्यान कर लिया तो वो आपकी अखंड संपदा है, उससे मृत्यु भी आपको आपसे छीन नहीं पाएगी उसको। आप श्री मिहिराज तेज कुंवरी श्री राज्य का श्री मिहिराज का विवाह हो जाता है तेज कुंवरी जी के साथ, और उनको लेकर अब श्री जी चलेंगे वहाँ जहाँ हरजी व्यास रहते थे। जूनागढ़ में हरजी व्यास रहते हैं, विक्रम संवत 1717-18 एक साल वहाँ रहते हैं। 17 का समय है, जूनागढ़ में पहुँचते हैं, हरजी व्यास का अभिमान टूटेगा ज्ञान का। वह भी एक घटनाक्रम है कि हमें शाब्दिक ज्ञान का कभी अहंग नहीं पालना चाहिए। ज्ञान विनम्रता देता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? सबका कल्याण करना। यदि हर कोई अपनी विद्वता का अहंकार लेकर लड़ेगा तो क्या होगा? संघर्ष बना रहेगा। समझदार किसको कहते हैं? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत। संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ विशेषता लिए हुए होता है। आज की नई पीढ़ी कुछ जो जानती है वो पुरानी पीढ़ी को नहीं मालूम, पुरानी पीढ़ी जो जानती है वो नई पीढ़ी को मालूम नहीं। ज्ञान के सागर में मनुष्य को एक बूंद का भी अस्तित्व बना दिया जाए तो भी यह उसके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य अज्ञानता में अपने ज्ञान का डंका बजाता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं, यह एक बहुत बड़ी भूल है। आगे के भी तक में यह बात दर्शाई जाएगी और उस शिक्षा को हमें आत्मसात करना चाहिए कि ब्रह्मवाणी का कितना भी ज्ञान हो हमें अपने अंदर अहंग नहीं लेना है, बल्कि यह मानना होगा कि यह ज्ञान
राज्य के द्वारा दिया गया है, उस ज्ञान को हमें फैलाने का अधिकार है, अपने अहंग में आने का नहीं। हमें किसी भी तरह का अहंकार लिए बिना राज्य की वाणी को राज्य का दिया हुआ ज्ञान समझकर निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण के लिए फैलाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। अब चुपाई तो रहे। यहाँ से फर्क हुए 17 के साल वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।